नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कैसे हैं आप सभी? मजे में तो है ना विद्यार्थी मित्र? हमारी परीक्षाएं पूरी हो गई है, अब हम आगे का अभ्यास शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम विषय हिंदी में हमारे पांचवी इकाई है चिड़िया घर की सैर, इसे हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, चिड़ियाघर आप सभी चिड़ियाघर देखने तो गए होंगे, है ना? गए हैं ना आप सभी चिड़ियाघर देखने? तो चिड़ियाघर में क्या क्या होता है, कौन बताएगा? बोलिए जरा, क्या होता है चिड़ियाघर में, सोचिए। तो चिड़ियाघर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्राणी पशु पक्षी होते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, कभी कभी तो विदेशी पक्षी भी आते हैं, तो हम सभी ने चिड़ियाघर देखा है। तो आज हम चिड़ियाघर की सैर करेंगे। तो विद्यार्थी मित्र देखिए, हम हमारी इकाई शुरू करें इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगी, आप सभी उस एनिमेशन वीडियो को ध्यान से देखिए। ध्यान से सुनिए और देखिए। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। देखो, वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी, वह देखिए, काले मुंह का बंदर। बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। दादाजी दादाजी, वह देखिए, पत्थर चल रहा है। बिटिया, यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। वहां देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए।
विद्यार्थी मित्र, आपने एनिमेशन वीडियो द्वारा इस इकाई को देखा। अब हम इसे पढ़ेंगे और संज्ञा के अर्थ भी देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्र, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर क्या होता है? तो चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। चिड़ियाघर का क्या मतलब होता है? चिड़ियाघर यानी कि वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। चिड़ियाघर यानी कि क्या होता है? चिड़ियाघर दादाजी ने छोटी सी गीता
लंगूर को खाना खिला रहे हैं तो कैसे लोगे? लिखा है यहाँ पर, फिर भी लोग खाना खिला रहे तो कैसे सारे ये लोग कैसे हैं? आगे देखिए, गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंगा बंदर। गीता बोली, दादाजी देखिए वह काले मुंगा बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, विद्या रानी लंगूर है। तो लंगूर को देखकर गीता को लगा कि यह बंदर है। तो दादाजी हंसकर बोले कि नहीं बेटा, यह तो लंगूर है। तो विद्यार्थी मित्र, जो लंगूर होता है वो बंदर की तरह ही दिखता है, लेकिन वो उसका मुंह एकदम काला होता है। तो इसीलिए गीता को लगा कि यह काले मुंह वाला बंदर है। लेकिन दादाजी ने कहा, हंसकर कहा दादाजी ने कि नहीं बेटा, यह बंदर नहीं, यह तो लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है, यह लंगूर है और लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंह था। तो लंगूर का पिंजरा था उस, यह वहां से गीता और उसके दादाजी थोड़ा आगे गए तो वहां पर एक और पिंजरा था। वहां कौन था? तो वहां एक गैंडा था और गैंडे की नाक पर बड़ा सा सिंह था। किसकी नाक पर बड़ा सा सिंह होता है विद्यार्थी मित्र, कौन बताएगा? तो गैंडे की नाक पर बड़ा सा सिंह होता है। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। बाड़ा, बाड़ा क्या होता है? तो बाड़ा यानी कि घिरा हुआ स्थान। विद्यार्थी मित्र, आप सभी ने ये देखा होगा कि आपके घर भी गाय गाय और भैंस होगी तो वो कहीं बाहर न निकल जाए, इसीलिए इसके चारों तरफ ऊंची दीवार हम बना देते हैं जिसे बाड़ा कहा जाता है। तो दादाजी और गीता थोड़ा आगे बढ़े तो गैंडे के पिंजरे के पास एक बाड़ा था, उसमें लंबी गर्दन वाला जिराफ था। कौन था? आप सभी ने जिराफ को देखा है ना विद्यार्थी मित्र, कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है। तो एक बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ था और वह धीरे धीरे इधर उधर टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। तो फिर गीता ने लंगूर देखा, गेंडा देखा, जिराफ देखा और फिर वह दादाजी, उसने दादाजी का हाथ पकड़ा और दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वह भालू दो पैरों पर खड़ा था। भालू यानी कि रीछ, क्या कहते हैं भालू को? रीछ। तो गीता और उसके दादाजी आगे बढ़े तो वहाँ एक पिंजरे में भालू था और भालू दो पैरों पर खड़ा था। भालू कैसे खड़ा था? तो भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रहे थे। तो भालू देखा और फिर दादाजी और गीता थोड़ा आगे गए तो वहां एक तालाब था और उस तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रहे थे। तो तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रहे थे। विद्यार्थी मित्र आगे देखिए, गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। तो तालाब के पास दादाजी और गीता खड़े थे तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रहे थे। तो वहां पास में
बिटिया यह कछुआ है। दादाजी बोले कि बिटिया यह पत्थर नहीं है लेकिन यह कछुआ है। कछुआ यानी कि अब तमे गुजराती में कहो छो काछू। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे चली गई। तो विद्यार्थी मित्र आप सभी ने कछुआ देखा है तो आप सभी को पता है कि जब कछुआ बहुत डरपोक होता है जब उसे डर लगता है तो वह अपना सारा शरीर अपनी गर्दन और अपने हाथ पांव वो अपनी खोल में छिपा लेता है। तो हम फिर उसे देखें तो हमें पत्थर जैसा ही कछुआ लगता है। तो दादाजी ने गीता को समझाया कि बेटा वह पत्थर नहीं है लेकिन वह कछुआ है। जब कछुए को डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और अपने हाथ पैर अपनी खोल के अंदर छिपा लेता है और यह खोल इसका रक्षण करती है। विद्यार्थी मित्र आज हम इस वीडियो में इतने ही इकाई पढ़ेंगे। आगे की इकाई हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले हमने जितनी भी इकाई पढ़ी है इसके लिए हम प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था। चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन आया था कौन बताएगा कि चिड़ियाघर देखने के लिए कौन आया था बताइए सोचिए जरा। तो हमारा जवाब है चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। चिड़ियाघर देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। आगे देखिए दूसरा प्रश्न किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तो किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। एक बार फिर से शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तीसरा प्रश्न बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। पांचवा प्रश्न तालाब में क्या था। तालाब में मछलियां और बतख थे। तालाब में क्या था तालाब में मछलियां और बतख थे। तो विद्यार्थी मित्र हमने आज जो भी जितनी भी इकाई पढ़ी इसके आधार पर मैं आपको वर्कशीट दूंगी। आप सभी को वर्कशीट के प्रश्न के उत्तर